नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। अब तक हम मिग्रेनी के चार भागों को पढ़ चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा के इस ऐतिहासिक उपन्यास का अंतिम भाग अर्थात भाग 5 हम पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे एक शिकारी जाति से संबंध रखने वाली गुजर लड़की मृगनैनी ग्वालियर की रानी बनती है, और न सिर्फ वह एक वीर स्त्री है बल्कि वह कूटनीति, राजनीति, कला सभी से में सक्षम है, और इस पूरे उपन्यास में उसका व्यक्तित्व छाया हुआ है। आइए हम आगे के हिस्से को पढ़ें। यह है वह मान मंदिर जो कि ग्वालियर के राजा ने बनाया था और जिसकी बनने में, जिसकी कलात्मकता में मान सिंह के साथ साथ मृगनैनी की वैचारिकता, मृगनैनी की कला परख प्रवृत्ति का भी हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त राजा ने अपनी रानी के लिए एक अलग महल भी बनाया था जिसे हम गुजरी महल कहते हैं। आप आगे के इसमें देखिए, ये गुजरी महल है, इसका ऊपर से इसकी तस्वीर ली गई है। इसी महल में सांक नदी को नहर काट कर यहां तक लाया गया था राई से। 59वें भाग में गुजरी महल बनकर तैयार था। सांक राई नदी की लहर की नहर भी महल में आ गई थी। मिग्नैनी के जो दो बेटे थे और अब वह पूरी तरह से इस राजसी परिवेश में खप गई थी। मान मंदिर के तैयार होने के बाद होली के दिन उसका उद्घाटन होता है, और उस उद्घाटन में बहुत ही व्यापक तैयारी होती है, बैजू का गायन होता है, और यहाँ भी सुमन मोहिनी उसे जहर देकर मारने की कोशिश करती है, पर मृगनैनी बार बार उसे क्षमा करती है लेकिन उसके सारे षड्यंत्रों से बचती भी रहती है। भाग 60। उपरोक्त कार्यक्रम के बाद मान सिंह बैजू और विजय के साथ गुजरी महल जाते हैं जहां गायन के साथ मृगनैनी के तांडव का नृत्य होता है। वह नृत्य वो सिर्फ राजा के लिए करती है क्योंकि उसने ये देखा था कि इन 3-4 सालों में राजा का मन कलात्मकता की ओर तो बहुत झुका है लेकिन युद्ध नीति से वो विरत हो गए हैं। अतः वह नृत्य में भी तांडव नृत्य को चुनती है, और इस नृत्य के द्वारा वह उन्हें बताना चाहती है कि जीवन में कला और शौर्य दोनों का समन्वय होना चाहिए। राजा उसके नृत्य को देखकर अभिभूत हो जाते हैं, परंतु उसी वक्त भांग के नशे में सैनिक हुड़दंग करते हैं जिसे देखकर राजा खिन्न हो जाता है। यहां लेखक ने चित्रित किया है कि ग्वालियर के सैनिक कला को तो उस अच्छी तरह समझते नहीं हैं, लेकिन अपनी वीरता से ही वे अवश्य हो गए हैं। मृगनैनी राजा को समझाती है कि आपकी ललित कलाओं के प्रति प्रेम ग्वालियर को हमेशा के लिए अमर कर देगी भारत के इतिहास में, परंतु वह कला प्रेम आप सामान्य जन में भी पैदा कर सके यह आवश्यक नहीं है, और कला के साथ आपको शस्त्र का भी ध्यान रखना चाहिए। वह कहती है, कोट, मैंने महाभारत पढ़ा है, देश की रक्षा शस्त्र द्वारा हो जाने पर ही शास्त्र का चिंतन हो सकता है, अनकोट। बोधन की हत्या की खबर इसी समय आकर मिलती है और इससे राजा भी दुखी होते हैं, साथ ही साथ सिकंदर लोदी के प्रति राजा के मन में और भी अधिक शत्रुता और क्रोध का भाव पैदा होता है। इसके बाद मृगनैनी राजा को अपनी चित्रसारी में ले जाती है जहां वह तरह तरह के चित्र को बनाती है। वहां एक विशेष चित्र का के बारे में राजा लेखक ने वर्णन दिया है, एक ऐसा अधूरा चित्र जो प्रत्यक्ष रूप से राजा को कला के साथ राज्य की रक्षा के लिए भी सजग रहने की बात कहता है। उस चित्र का एक हिस्सा अंतर्गृह का है जहां पर सौंदर्य है, कला है, और दूसरा हिस्सा उस युद्ध के मैदान का है जहां पर जीवन का कर्तव्य राजा को बुला रहा है। राजा मृगनैनी की बात को बहुत ही अच्छी तरह समझ जाता है और तय करता है। वह कहता है, कला का अनुशीलन और कर्तव्य का पालन साथ साथ हो सकता है। मैं सेना को भी सजाऊंगा और ललित कलाओं की भी उन्नति करता रहूंगा। अगले भाग 61 में बैजू बावरा के अभ्यास का चित्रण है। वह भोर में अभ्यास कर रहा है और उसी समय अटल अपने उनके घर के करीब बैठकर वीणा बजाने का अभ्यास कर रहा है, लेकिन अटल में संगीत की वह क्षमता नहीं है
और फिर भी वह चाहता है कि बैजू उसे सुने और अपना शिष्य बना ले, परंतु इसके ठीक विपरीत होता है और बैजू उसे अपमानित करके भगा देता है। 62वें भाग में मानसिंह के साथ मृगनैनी का राय के जंगल में शिकार करने जाने का चित्रण है। मृगनैनी अपने पुराने घर में लौटकर खुश होती है, पुरानी स्मृतियाँ उसे आकर्षित करती हैं, वहाँ की प्रकृति में वह अभिभूत हो जाती है। पुराने स्थलों पर घूमते हुए वह मंदिर जाती है और एक पहाड़ी पर जाती है और वहाँ पर राजा यह विचार देते हैं कि यहाँ गढ़ी बनाकर अटल को उसे सौंप दिया जाए और उसी पहाड़ी पर एक छोटी सी गढ़ी अर्थात गढ़ बनता है या किला बनता है और जिसका शासन का भार अटल को सौंपा जाता है। 63वें अंक में लेखक ने उस भूकंप का वर्णन किया है, ऐतिहासिक रूप से ये इस भूकंप की घटना का चित्रण हमें मिलता है। ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने आगरा में बड़ी भारी सेना तैयार की थी। वे आक्रमण करने के लेकर विमर्श कर ही रहे थे कि उसी वक्त एक प्रचंड भूकंप आ जाता है। दूसरी ओर उस भूकंप का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है, लेखक ने उसे टुकड़े टुकड़े में चित्रित किया है। महमूद बरगरा के खान पान का विभत्स वर्णन है और वह भी भूकंप से किस प्रकार गिरता है उसका चित्रण है। इधर नसीरुद्दीन अपने हरम में सुंदरियों की मर्दुमशुमारी अर्थात उनकी जनगणना कराना चाहता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इसमें स्त्री के रूप कई सारे पुरुष भी स्त्री के रूप में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ भूकंप आ जाता है और बहुत सारी सुंदरियाँ और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो उन सुंदरियों को लेकर भाग भी जाते हैं। मानसिंह गुजरी मंदिर में मृगनैनी के साथ था और वहाँ पर भूकंप आता है। सभी घबराते हैं लेकिन लेखक ने चित्रित किया है कि मृगनैनी घबराती नहीं है। भूचाल में बैजू की क्या स्थिति है उसका भी चित्रण है, विजय की क्या स्थिति है उसका भी चित्रण है। तो यह पूरा भाग भूकंप का विवरण ही हमारे समक्ष रखता है। 64वें भाग में रामेश्वरम से चलकर ग्वालियर में एक महात्मा आते हैं और वह मानसिंह से मिलने के लिए अनशन कर देते हैं। मानसिंह पहले तो उनसे मिलना नहीं चाहता है, लेकिन बाद में उसे मिलने की जब बात करता है तो विजय उसे मना करते हैं, क्योंकि विजय जंगम को यह पता है कि अभी युद्ध का समय है और इस समय किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलना उचित नहीं है, परंतु वह अनशन कर देता है। इस पर राजा उससे मिलने जाते हैं और राजा से मिलते ही वह तरह तरह के प्रश्न करता है, जिसमें गलती से राजा सेना की संख्या भी बता देते हैं और यहाँ तक यह भी बता देते हैं कि एक सुरंग है जिसमें से निकलकर कहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। जब राजा लौट आते हैं तो उनको पता चलता है कि वह व्यक्ति असल में शत्रु सेना का एक तरह से कह सकते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो सारी खबर लेने के लिए यहाँ आया था। इस बात पर विजय जंग बहुत परेशान होते हैं और युद्ध की तैयारी में और भी तत्परता से लग जाते हैं तथा जो सुरंग थी जिसका पता राजा ने बता दिया था उसे बंद करवा दिया जाता है। उधर सिकंदर की सेना हमले के लिए तैयारी कर रही है और इन सारे सूचनाओं को लेकर वह अपने आप को विजयी समझते हैं कि अब हमें आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उनके पास सेना की पूरी संख्या भी है। 65वें भाग में सिकंदर की एक टुकड़ी नरवर की ओर और दो टुकड़ियां दो तरफ से ग्वालियर की ओर चलती हैं। मानसिंह को नरवर की ओर की टुकड़ी की खबर नहीं रहती है। वह अटल को राय की गढ़ी में मोर्चा संभालने के लिए भेजते हैं। अटल और लाखी चले जाते हैं। मृगनैनी भारी मन से लाखी को विदा करती है। मानसिंह ग्वालियर के किले के बाहर मोर्चा संभालते हैं। मृगनैनी अपने चित्र के युद्ध वाले हिस्से को भरती है, अर्थात इससे ये पता चलता है कि अभी तत्काल में युद्ध ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 66वें भाग में सिकंदर लोदी और मानसिंह तोमर की युद्ध का चित्रण है, जिसमें सिकंदर लोदी को पीछे हटना पड़ता है। 67वें भाग में अब सिकंदर राय की गढ़ी को ही निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि वहां पर कमजोर है। वहां पर आक्रमण करता है। संकट में लाखी होलिका जलाकर ग्वालियर तक अपना संदेश पहुंचाती है। मृगनैनी को पता चल जाता है कि लाखी संकट में है। राजा मानसिंह सुबह आने की योजना बनाते हैं, परंतु रात में ही तुर्कों से लड़ती हुई लाखी की मृत्यु हो जाती है। बड़ी वीरता के साथ वो लड़ती है। 68वें भाग में आधी रात को ही ग्वालियर के किले से बाहर निकलकर मानसिंह और उधर अटल सिकंदर की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। लड़ते हुए अटल भी वीर गति को प्राप्त होता है। सिकंदर पीछे हट जाता है। मानसिंह जब राय पहुंचता है तो वहां का सारा हाल जानता है। मृगनैनी दोनों की मृत्यु के शोक से संतप्त हो जाती है। यह बड़ी वीरता से लड़ते हुए अटल और लाखी की मृत्यु का चित्रण है। 69वें भाग में सिकंदर और राज सिंह दोनों का मिलकर फिर से नरवर पर हमला करने का चित्रण है।
राज सिंह सिकंदर के सहयोग से नरवर के किले को प्राप्त करना चाहता है, जो कि उसकी पैतृक संपत्ति है। मान सिंह भी मदद के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां वो घिर गए होते हैं। नरवर एक साल तक लड़ता रहता है, परंतु रासन चुक जाने पर पराजित हो जाता है। नरवर के लोगों ने कितनी हिम्मत से एक साल तक लड़ाई की और बिना खाने बिना पानी के भी काफ़ी दिनों तक वो लोग लड़ते रहे, इसका चित्रण यहाँ लेखक ने किया है। नरवर में सिकंदर जब प्रवेश करता है तो अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए वहाँ विध्वंस मचाता रहता है। ग्वालियर का सारा क्रोध उसने यहीं पर निकाल दिया। नगर को तहस नहस करने के बाद राज सिंह को जागीर सौंप कर वह दिल्ली लौट जाता है। ग्वालियर को जीतने का विचार उसने मन से निकाल ही दिया। राज सिंह जब कला को लेकर नरवर के किले में लेकर जाता है और नरवर की दुर्दशा को कला देखती है तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वहाँ की सारी मूर्तियाँ सारी कलाकृतियों को विनष्ट करके ही सिकंदर यहाँ से जाता है। 70 भाग में मृगनैनी और मानसिंह की वार्तालाप का चित्रण है, मृगनैनी के गायन का चित्रण है, और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किस प्रकार गुजरी रानी के लिए ही राजा बैजू बावरा ने कितने तरह के राग, एक तरह से मौलिक राग बनाए थे। बैजू द्वारा राजा को संगीत की ओर और ज़्यादा ध्यान देने की जब बात कही जाती है तो मृगनैनी कहती है, इनको सेना राजनीति इत्यादि को संभालने में लगा रहने दीजिए, अर्थात कला का पक्ष मैं देख लूँगी, राजा को राजनीति संभालने दीजिए। मृगनैनी लगातार राजा को राजनीतिक स्थितियों से परिचित करवाती रहती है और उन्हें कर्मठता की ओर हमेशा आकर्षित करने की कोशिश करती है। 71वें भाग में सुल्तान नसीरुद्दीन का नदी में डूबकर मरने का चित्रण है, क्योंकि जब वह नदी में डूबने लगता है और जल क्रीड़ा करते हुए और बचाने के लिए आवाज़ लगाता है तो कोई भी डरकर उसे बचाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि पिछली घटना उन्हें याद रहती है कि एक बार जिस व्यक्ति ने बचाने की चेष्टा की थी उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय ने मटरू को मरवाया और उसका शासन संभाला। इस तरह से ये एक विलासी राजा के मृत्यु का चित्रण यहाँ लेखक ने किया है। 72 भाग में लेखक मेवाड़ का शासन राणा सांगा के हाथ में आ जाता है, महमूद बरघरा की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर लोदी का अपने भाई जलाल से युद्ध होता है, जलाल हार तो जाता है पर जब ग्वालियर के पास मदद मांगने आता है तो मदद न मिलने पर गोंडवाने की तरफ भाग जाता है, जहाँ से सिकंदर ने उसे पकड़कर उसको मार दिया था। उसके साथ ही सैनिक जो ग्वालियर में रह गए थे वे राजा मानसिंह के शरण में आ जाते हैं और उनकी सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। ग्वालियर को हराने की योजना बनाते बनाते ही सिकंदर की मृत्यु भी हो जाती है और उसे हरा नहीं पाता है वह। मानसिंह राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि उसके पहली रानी का पुत्र विक्रमादित्य काबिल है, लेकिन मृगनैनी के दोनों पुत्र भी कम वीर नहीं हैं। उसे यह चिंता रहती है कि कहीं मृगनैनी विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का विरोध न करे। वह सोचकर भी इस बात पर कोई प्रश्न नहीं कर पाता, किंतु मृगनैनी एक उदार स्त्री है। वह देश को अपने परिवार या अपने बेटों से अधिक प्रेम करती है और वह सहर्ष ही यह अनुमति दे देती है कि मेरे पुत्र इस देश का शासन नहीं संभालेंगे बल्कि बड़ी रानी का पुत्र विक्रमादित्य ही शासक बनेगा। सुमन मोहिनी अपने पुत्र को ही राजा बनाना चाहती है। 73वें भाग में मृगनैनी मानसिंह को अपनी चित्रसारी में ले जाकर अपना वही चित्र दिखलाती है जिसमें जीवन के दोनों पक्षों कला और कर्तव्य का समन्वय और संतुलन दिखाने का प्रयास है। यही वह मानसिंह को वह एक पत्र भी देती है जिसमें वह अपने पुत्रों को नहीं अपितु विक्रमादित्य को राजा के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करती है। राजा मृगनैनी की सुदारता पर अभिभूत हो जाते हैं। उपन्यास के इस अंतिम अध्याय में वह राजा को बताती है कि अब आपको प्रजा के सुख और देश की स्वाधीनता की चिंता करनी है, और यहाँ आकर यह उपन्यास समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार उपन्यासकार ने राजा मानसिंह, जो कि इतिहास में तो बहुचर्चित हैं ही, साथ ही साथ मृगनैनी के एक महान चरित्र को भी हमारे सामने उपस्थित किया है, जो न सिर्फ शरीर से बहुत ही मजबूत है बल्कि मन से भी मजबूत है और बुद्धि विवेक की दृष्टि से भी बहुत ही अधिक प्रगतिशील है और एक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन संगिनी बनने के योग्य है। यहीं पर यह अंत समाप्त होता है। अगर प्रश्नों की बात करें तो जो मुख्य प्रश्न आते हैं उसमें मृगनैनी उपन्यास की ऐतिहासिकता पर प्रश्न पूछा जाता है,
मृगनयनी उपन्यास के आधार पर वृंदा लाल वर्मा की स्त्री चेतना की दृष्टि पर प्रश्न पूछा जाता है और मृगनयनी उपन्यास की समीक्षा उपन्यास कला की दृष्टि से कीजिए, यह प्रश्न भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं जिसमें आप चरित्र चित्रण को भी ले सकते हैं, जिसमें मृगनयनी, लाखी, मानसिंह, अटल, विजय जंगम, बोधन, निहाल सिंह, कला बैजू आदि प्रमुख चरित्रों के चरित्र की बात भी की जा सकती है। निसंदेह उपन्यास मृगनयनी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, अतः यह स्त्री चरित्र की प्रमुखता को ही सामने रखती है। इस प्रकार आज हमने यह समाप्त कर लिया। धन्यवाद।